डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू ऑप्शन को कंटेन कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे तो फाइल मेनू में जाएंगे तो न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इतना सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन सारे ऑप्शंस को आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे पढ़ लेंगे। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका लिब्री ऑफिस राइटर खुल जाएगा। देखो तो खुला कि नहीं खुला अभी लिब्री ऑफिस राइटर, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स इस समय, लिब्री ऑफिस कैल्क ना। पहला ऑप्शन क्या दिया था आपका यहाँ पे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करोगे तो वो किसके लिए फाइल बनेगी, राइटर के लिए, लिब्री ऑफिस राइटर के लिए फाइल क्रिएट हो जाएंगी। वैसे ही स्प्रेड शीट पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे लिब्री ऑफिस कैल्क के लिए क्या होगा, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। सो देखो अभी स्टार्ट हो चुका है, एक न्यू फाइल यहाँ पे आपका बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से न्यू के भीतर आगे जाओगे तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यानी इम्प्रेस खुल जाएगा आपका इस पर क्लिक करने से। ठीक है, और ड्राइंग पे क्लिक करते ही आपका जो होगा लिब्री ऑफिस ड्रॉ ओपन हो जाएगा। फार्मूला पे क्लिक कर देने से लिब्री ऑफिस फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर डेटाबेस पे क्लिक करते हो तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका लिब्री ऑफिस डेटाबेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से HTML डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट, जिसमें आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो। ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंट को यानी HTML फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट को आप क्या कर पाओगे, यहाँ से क्रिएट कर पाओगे। देखो तो कुछ इस तरह का पेज आया और लिखा किया गया है लिब्री ऑफिस राइटर वेब। ठीक है, वेब मतलब क्या, वेब पेज। ठीक है, तो आपने देखा अभी कि न्यू में यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये मिला। XML का फुल फॉर्म एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये HTML का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप XML फॉर्म डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्म वाला डॉक्यूमेंट बना सकते हो, जिसमें आप यूजर नेम, ठीक है, फादर्स नेम्स, ठीक है, मदर्स नेम, ठीक है, यानी बहुत सारे रेडियो बटन, चेकबॉक्स, फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। लेबल पे क्लिक करते ही आप एक प्रकार का लेबल क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, लेबल में आप जैसे कि ध्यान से देखो यहाँ पे खुल गया है, यहाँ पे मैं कहूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे कहूँगा स्कूल नेम, यहाँ पे कहता हूँ विलेज नेम, यहाँ पे सिटी नेम और यहाँ पे स्टेट नेम। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेबल को तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने से, न्यू पे क्लिक करके, लेबल पे क्लिक करने से, बिजनेस कार्ड पे क्लिक करने से आप विजिटिंग कार्ड जैसा एक छोटा सा कार्ड आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, जिसको प्रिंट करके आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। सो आगे न्यू पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट। इस तरह का डॉक्यूमेंट का प्रयोग स्टूडेंट्स हम लोग जब करते हैं, जब कभी भी हमें बड़ी कोई फाइल प्रिंट करनी हो, जैसे कोई बुक्स प्रिंट करना हो, लॉन्च करना हो, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट मिलके एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसे मास्टर डॉक्यूमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है .odm होता है। ठीक है, .odm, ठीक है, और टेम्पलेट, ये देखो यहाँ पे दिया है टेम्पलेट। इस पर क्लिक करने से आप टेम्पलेट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट फाइल बना सकते हो। और टेम्पलेट का अगर कोई एक्सटेंशन पूछता है आपसे तो आप क्या बताओगे, .ott होता है, और मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा, .odm। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को फाइल के इस न्यू में जितने ऑप्शन थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।